हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल बड़े की रेसिपी। दाल बड़ा तो आपने बहुत तरीकों से बनाए होंगे और खाए होंगे। कभी मेरी तरीकों से बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। छोटा सा वीडियो है इसीलिए अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करती हूँ दाल बड़ा बनाना। यहाँ पर मैंने 2 कप चना दाल ली हूँ। चना दाल को पहले ही मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इसे मैंने 4 से 5 घंटा भिगोने के लिए रख दी थी। दाल अच्छी तरह से फूल भी चुका है। अब यहाँ पर मैं एक मिक्सी जार लूंगी और मिक्सी जार में मैं दाल को डाल दूंगी, लेकिन पानी का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। पानी के बिना ही दाल को हम डालेंगे और दाल को अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। चलिए अब दाल को हम पीस लेते हैं। देखिए, मैंने दाल को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब जो भी ऊपर में साबुत चना दाल है उसे रहने दीजिए। इससे क्या होगा कि बड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, इसलिए 2-4 साबुत चना रहना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक बोल ली हूँ। अब बोल में हम दाल को डाल देंगे। ज़्यादा पेस्ट मत कीजिएगा दाल का, इस तरीक़ों से ही दाल का टेक्सचर होना चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीकी से चॉप किया हुआ हरी मिर्च। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को टोटली स्किप कर दीजिएगा। इसके बदले में आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, करीबन आधा चम्मच। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ते। यहाँ पर मैं करी पत्ते को अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। करी पत्ते डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ते। धनिया पत्ते डालने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक से चॉप किया हुआ प्याज। यहाँ पर मैं एक प्याज को बारीक से चॉप कर लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। फिर इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, एक खट्टापन आएगा बड़े में। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर मिश्रण थोड़ा सा गीला लगे तो इसमें आप चावल के आटा ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दाल को पीसते वक्त पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे तो फिर आपको चावल का आटा देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और कुछ नहीं डालना है हमें, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। दाल के कारण ही ये बाइंडिंग हो जाएगा, इसमें हम बेसन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। दाल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाथों को धो लेंगे। धोने के बाद थोड़ा सा ऑयल हाथों में लेकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब थोड़ा सा पोषण लेकर इसका एक शेप दे देंगे। हमें टिक्की का शेप देना है। इस तरीके से प्रेस करते हुए हमें इसे टिक्की का शेप देना है। शेप अपने मर्जी से आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें टिक्की का शेप दे रही हूँ। सारे हम इस तरीके से बना लेते हैं। पहले देखिए, ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम बड़े को डाल देंगे फ्राई होने के लिए। और गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखी हूँ। और ऑयल का टेम्परेचर हमें ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, हल्का सा ही ऑयल को गर्म करना है। गैस का फ्लेम हाई मत कीजिएगा, लो टू मीडियम रखिएगा या तो लो रखिएगा। क्योंकि अगर आप गैस का फ्लेम हाई रख देते हैं तो फिर अंदर से बड़े कच्चे रह जाएगा और ऊपर से इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसे पलट देंगे ताकि अच्छी तरह से दोनों साइड फ्राई हो जाए। थोड़ा सा बड़े को साइड कर देते हैं। साइड करने के बाद जो बचा हुआ जगह है उसमें और बड़े डाल देंगे फ्राई होने के लिए। जितना कढ़ाई में आपका जगह है उतना ही बड़े डालिएगा। देखिए, बड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। ये बड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और बड़े का कलर भी चेंज हो चुका है। अब बड़े को हम निकाल लेंगे और सारे बड़े को हम इस तरीके से ही फ्राई कर लेंगे। बड़े को निकालने के बाद इसे हम सर्व कर लेंगे। आप भी घर पे आसानी से इस बड़े को बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होगा। अगर इसे पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर।